नमस्कार दोस्तों, दोस्तों वाले शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है सीमा जी चोकसी, जो एक होम लोन कंसल्टेंट है और उन्होंने आज तक 400 करोड़ से भी ज्यादा का होम लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। वैसे तो सीमा जी बहुत यंग दिखती है, लेकिन उनकी एंटरप्रेन्योर की जर्नी काफी लंबी है। 13-14 साल से वो इस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी जर्नी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, और उसके बारे में हमें थोड़ा उसमें बताइए। सो बेसिकली मेरी जॉब स्टार्टेड हुई फ्रॉम 2007। दो जॉब की थी मैंने। आफ्टर दैट मेरे फादर के रिकमेंडेशन से और मेरे फादर के फ्रेंड के सन का ऑलरेडी एक ब्रांच था इन अनदर सिटी, एंड दे वॉन्टेड टू स्टार्ट इन दी अंकलेश्वर गुजरात। सो मैंने वहाँ पर ब्रांच स्टार्ट किया। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ माई जॉब, माई बिजनेस। एंड उसके बाद से मेरा जो स्टार्टअप हुआ, सो नाउ सिंस 11 ईयर्स आई एम इन द सेम बिजनेस, सेम फील्ड एज अ होम लोन कंसल्टेंट, यू कैन से सिम्फिन फाइनेंस अभी मेरा करंट फॉर्म है। ग्रेट। तो गुजरात से इनकी जर्नी शुरू हुई और अभी ये पुणे में सिम्फिन फाइनेंस के नाम से इनका होम लोन का बिजनेस है। तो सीमा जी, मुझे एक बात बताइए कि वैसे देखा जाए तो ये जो होम लोन कंसल्टिंग या जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है, और इस मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी में आपने अपने आप को कैसे 10 साल से आप ढाल रही है? यस ऑफ कोर्स, ये मेल डोमिनेटेड है ये जो फील्ड है वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की जनरेशन में मेल एंड फीमेल ऐसा कुछ अलग नहीं है। बोथ हैव दी गुड अपॉर्चुनिटीज, सेम अपॉर्चुनिटीज, एंड दोनों के लिए हर चीज़ सेम होती है। सो इधर यू आर मेल और फीमेल, कुछ भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी गो ऑन, फोकस ऑन योर वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक चीज़ है इसमें कि आपको आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों आपको बैलेंस करके इसके ऊपर फोकस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, तो मतलब इस फील्ड में जो भी लड़कियां आनी चाहती है तो उनको अपना जेंडर भूल जाना है, कि आपको ये सोचती रहेगी कि मैं फीमेल हूँ और इसमें कैसे आ सकती हूँ, तो आपको भूल जाना है। और जैसे सीमा जी ने बताया कि आपको फिजिकली और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहना होगा, तो जिससे आप इस पर्टिकुलर फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो सीमा जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में क्या आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे कि जिसमें आपको ऐसा लगा कि हाँ, इस वजह से आपकी आपका इस बिजनेस में बहुत बेहतर हुआ है? ओके, सो टर्निंग पॉइंट मैं आपको एक ये बताऊंगी कि मैंने स्टार्टअप किया था गुजरात में, एंड आई वॉज ऑन अ गुड लेवल लाइक बिफोर 6 ईयर्स यू कैन से। सो बट उसके बाद एक शादी के बाद बोलते हैं कि लड़की की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। सो लाइक इवन आई गॉट मैरिड एंड सडनली आई मतलब देर आर सो मेनी क्वेश्चन इन माई माइंड कि कैसे होगा, कैसे मैं सेटअप करूँगी, क्योंकि एक मैंने मेरा एक लेवल अप बनाया था जो मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करके वापस वो लेवल पे जाना था। सो कुड आई स्टार्ट माई जॉब और आई कैन स्टार्ट विद बिजनेस? सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन, बट फाइनली आई हैव स्टार्टेड बिजनेस अगेन इन पुणे। आई गॉट मैरिड एंड सी नाउ आई अगेन लाइक इन अ सेम लेवल, सेम पोजिशन यू कैन से। हाँ, बट वो एक बेटर था, इससे थोड़ा भी कम लेवल पे हो, बट इट विल बी ऑन अ गुड लेवल वेरी सून। डेफिनेटली हमेशा ही जो इंडिया में जो भी लड़कियां होती हैं और उनके शादी के बाद जो फेज होता है वो हमेशा ही उनकी लाइफ चेंज करता है। लेकिन अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप में वो धमक है, जो आपकी क्वालिटीज़ आप जो पुरानी क्वालिटीज़ जो मेंटेन कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली वो बिजनेस और वो नाम जो है फिर एक बार खड़ा कर सकते हैं। और शॉर्ट पीरियड में मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में सीमा जी ने यहाँ पर अपना पूरा बिजनेस फिर एक बार सेटअप किया है। तो सीमा जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस में किसी को आना है, या फीमेल हो या फीमेल हो, तो उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे? या श्योर। अच्छा, मैं एक सबसे पहले ये एडवाइस देना चाहूँगी, अगर किसी को ये फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में आना है तो सबसे पहले उसको ये सिलेक्ट करना है कि फॉर व्हाट प्रोडक्ट दे वांट टू डू एग्जैक्टली। लाइक इफ दे हैव चॉइस इंश्योरेंस और माइट बी दे हैव चॉइस लोन, तो लोन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो होम लोन,
या फिर कमर्शियल लोन, या फिर कार लोन, या फिर एजुकेशन लोन, या फिर बिजनेस लोन. सो इसमें भी बहुत सारे वर्टिकल्स है जिसमें से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करना है, राइट? जैसे लाइक मेरा फोकस रहता है ऑलवेज होम लोन एंड कमर्शियल लोन. हाँ, मेरा एक साइड बिजनेस रहता है कि बिजनेस लोन भी आई कैन डू, बट एक मेन फोकस है कि दैट इज लाइक आई एम डूइंग होम लोन पर्टिकुलरली, राइट? तो वो एक फोकस रहना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग कि कस्टमर के साथ आपकी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक कमिटमेंट लेवल फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, एंड उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है दिस ऑल आर लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन हम जो वर्कआउट करते, तो वो सारे कहीं पे भी मिस यूज़ ना हो, कहीं पे भी उसका गलत तरीके से गलत चीज़ ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी रखना है. यस, एक्चुअली तो बहुत ही सही बात कही है सीमा जी ने यहाँ पर. अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो तो आपको एक अपना निश, अपना एक सेगमेंट आपको चूज़ करना होगा. अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो लाइफ इंश्योरेंस करना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हो, और कस्टमर का जो ट्रस्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में कस्टमर को हम जो सर्विस दे रहे हैं वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा चीज़ है इसमें. तभी जा कर के कस्टमर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इतनी बड़ी लोन फुलफिल करने का काम हमें दे सकता है. तो सीमा जी, इसमें मुझे एक लास्ट सवाल आपसे पूछना है कि जो भी व्यूअर्स हमारे यहाँ देख रहे हैं और उनको अगर लोन के बारे में कोई एडवाइस चाहिए, या तो कौन सी एक या दो एडवाइस आप देना चाहेंगी जिससे उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी बेटर बन सके? यस, ऑफ कोर्स, मैं उसमें एडवाइस ये देना चाहूँगी कि सबसे पहले किसी को भी लोन लेना है तो दे शुड बी गो फॉर होम लोन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि घर एक आपका सेविंग्स, काफ़ी अच्छा सेविंग्स होता है, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी होम ही रहती है. तो होम लोन सबसे पहला अपना ऑप्शन होना चाहिए ऑलवेज. एंड सेकेंड, मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि लोग जो डिफ़ॉल्ट होते हैं और लोग जो बाउंस करते हैं चेक्स, वो सबके लिए नहीं हो, वो चीज़ें ना हो, उसके लिए हमको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अपने जो भी अकाउंट से हम डिडक्ट कर रहे हैं ईएमआईज, उसमें मिनिमम 3 मंथ्स का ईएमआईज आप एज अ सेविंग आप रखते जाओ, मिनिमम पहले से स्टार्टिंग से, ताकि कभी भी आपका डिले हो, कुछ भी हो, बट वो 3 मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो उसको कवर अप करेगा. सो दिस इज़ माई सेकेंड एडवाइस. बहुत ही बढ़िया बात कही है, क्योंकि कई अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि लोग करियर शुरू कर देते हैं और फिर कार लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, और जब 1-2 साल के बाद जब अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये सारे लोन्स उनको बीच में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी होम लोन की एलिजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है. और सीमा जी ने जो दूसरी बात कही है उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ हमेशा बेटर रहेगी, क्योंकि अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट करी है तो बैंक आपको आगे जब भी लोन देना है तब हमेशा 10 बार सोचेगा. तो सीमा जी, लास्ट में मुझे आप जितनी भी आपकी जैसी जो यंग लेडीज़ है उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? बस मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग ऑलवेज, और ये कभी भी मत सोचो कि आप फीमेल हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर सूट नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी इन लाइफ. आपको क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, आपका करियर आपको खुद को ही डिसाइड करना है, बस वही आपको आगे लेके जाएगा, और एक दिन आप ऐसे लेवल पर पहुँच जाओगे जहाँ पर लोग सामने से दे फील प्राउड कि यार यस ये लड़कियों के आज ये लेवल पे, दैट इज़ वेरी गुड. और आज मेरे, इवन मेरे मॉम डैड की मैं बात करूँगी तो दे फील वेरी प्राउड कि हम सीमा के पेरेंट्स हैं. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू ऑल गर्ल्स. सीमा जी ने ये जो बात कही है कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है, अगर आप ये देख करके कोई भी काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई गलत काम करोगे और आप हमेशा ही सक्सेसफुल रहोगे. तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस इंटरव्यू को देखने के लिए, और मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बारे में आपके कमेंट्स भी हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू जो हम लोग कर रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए. और सीमा जी, थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए, हमें इंटरव्यू देने के लिए.